अक्रम, और जैसे हर एपिसोड में, हर इशू में हम एक नया एक्सपर्ट और नया मुद्दे के साथ आते हैं। आज का हमारा मुद्दा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सोचने वाली भी है। हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की और खेल जगत में इंडिया का परफॉर्मेंस की। तो आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर शिराज अंसारी। डॉक्टर अंसारी जो हैं नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन नॉन ओलंपिक एसोसिएशन का। एक है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो ओलंपिक गेम्स में इंडिया को तैयारी करने में सपोर्ट करते हैं, और शिराज साहब जो हैं वो इंडियन नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट है। और ओलंपिक के बाहर जो पूरे खेल हैं उस पर शिराज साहब की अहम रोल रहती है, उसकी प्रमोशन की, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पे। और खेल जगत में अगर आप देखें, किसी भी देश का खेल एक बहुत बड़ा एसेट है, और एसेट इस मामले में है कि खेल ही एक ऐसा चीज है जो देश को जोड़ती है। माने ना कोई मजहब, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई रेस इस चीज को तोड़ सकता है। और आप किसी भी स्पोर्ट्स में, आप क्रिकेट की बात करें, वहां कोई भी मजहब धर्म, ये एक मजहब माना जाता है, खेल को एक मजहब माना जाता है। और हमारे देश में खास करके जहाँ क्रिकेट इतना फेमस है, पॉपुलर है, वहां तो क्रिकेट का दूसरा नाम रिलीजन माना जाता था, और सचिन तेंदुलकर को कहा जाता था कि ये ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो इस तरह से है। अच्छा, तो हम बात करेंगे कि अगर आप ओलंपिक्स की बात करें तो कुल मिला के आज तक भारत ने लगभग 28 मेडल जीता है, और उन 28 मेडलों में से अगर आप देखें तो सिर्फ हॉकी में हमने, इंडियन हॉकी शुरुआत के दौर पे इतना बेहतरीन एक टीम था इंडिया का, तो मैंने हॉकी ने ही 11 मेडल जीते हैं। लेकिन बाकी में हाल ही में जब हम दो चार बिग सक्सेस दिया कुछ मेडल जीतने में, तो ओलंपिक थोड़ा फेमस हुआ इंडिया में। शिराज साहब से हम पूछेंगे कि भारत, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कि इंडिया का परफॉर्मेंस एट द ग्लोबल लेवल स्पोर्ट्स में बहुत कुछ खास सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में जब एक देश की आबादी 130 करोड़ की हो, और उस मामले में अगर देखा जाए 130 करोड़ की एक आबादी की पॉपुलेशन में जो हमारा अचीवमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड और ज्यादा हो सकता है। शिरा साहब, पहला सवाल मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, और स्वागत है आपको सबसे पहले पॉलिसी टाइम्स के आज स्टूडियो में, हम इस टाइप से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल जो आपके लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स जो समझना चाहेंगे, भारत की करंट पोजीशन क्या है स्पोर्ट्स में, और इसकी बुनियादी वजह क्या है? पहले तो थैंक यू सो मच अक्रम साहब, पॉलिसी टाइम्स ने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, और बहुत अच्छा टॉपिक आपने, जो करंट अफेयर हमारा स्पोर्ट्स का है इंडिया में। तो आपका सवाल कि हमारी हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को लेके क्या सिचुएशन है इस वक्त, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स जो हैं वो ओलंपिक हो या नॉन ओलंपिक, स्पोर्ट्स कहा जाता है उसे। और भारत में मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद से और अब तक हमने स्पोर्ट्स के अंदर कोई ख़ास ना तो डेवलपमेंट हुआ है हमारे अंदर, अगर कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ग्रेजुअली जो है इंटरनेशनल लेवल पे डिग्रेड हुआ है। और जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और अर्बन जो है, रूरल एरियाज में जो हमारे बच्चे होते हैं स्पोर्ट्स में, उनके अंदर शुरू में कुछ गॉड गिफ्टेड एक वर्ड हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है, तो स्पोर्ट्स के अंदर उनके अंदर कुछ ऐसी संभावनाएं रहती हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट ये भी है कि हमारे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ना तो अर्बन एरियाज में अवेलेबल हैं, ना ही रूरल में भी हैं। रूरल में आप कह सकते हैं कि थोड़ा स्कूल्स हैं बड़े अच्छे हैं, तो उनके अंदर उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। गवर्नमेंट लेवल पे आप देखें तो एक जैसे रिजर्वेशन नहीं होता है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल जो यूएन का चार्टर का जो मिशन है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल यानी सभी को खेल खेलने की
इजाज़त है, लेकिन ऐसा आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन यूँ होता है कि जो बहुत पॉपुलर गेम है इंडिया में, अब जैसे अब मैं नाम कुछ लूँगा, जैसे आपका शूटिंग है अभी कुछ हाल दिनों में इसे थोड़ा ग्लोबल पॉपुलैरिटी मिली, कुछ मेडल्स आए, आपका रेसलिंग है, आपकी बैडमिंटन है, ये तीन चार ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो ये सब ओलंपिक से रिलेटेड हैं। इसमें थोड़ा इंडिया ने कुछ अच्छा किया तो गवर्नमेंट ने सिर्फ इन्हीं चार खेलों या दो तीन खेलों को प्रमोट किया। और आप जैसा जानते हैं कि क्रिकेट तो हमारे देश में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि उसे ना सरकार के किसी मदद की ज़रूरत है और ना किसी, वो इट बिकेम लाइक रिलीजन। आपने जैसा पहले बताया कि क्रिकेट को तो बहुत हाई उसका पोजीशन है जी। तो बाकी जो हमारे देश में अभी अगर आप भारत सरकार की रिकग्निशन के लिस्ट के ताल्लुक से बात करें तो तकरीबन 70-75 जो गेम्स हैं रिकग्नाइज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें तकरीबन अगर 34 को आप निकाल दें तो मेजॉरिटी में यानी ऑलमोस्ट 40 स्पोर्ट्स जो हैं वो नॉन ओलंपिक हैं। लेकिन हमारे पास अभी कुछ आप ये देखें कि पॉलिसी कुछ अच्छी नहीं है। हम भारत सरकार हैं, हम तमाम स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोग स्पोर्ट्स को कॉमन नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं। वो एक देखते हैं कि अगर किसी ने कुछ पुशअप किया तो सारे लोग उसी तरफ मुतवज्जो होते हैं, उसी की तरफ सपोर्ट करने लगते हैं, रिकॉग्नाइज करने में बिजी रहते हैं। लेकिन जी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो मेरे ख्याल से सरकार रिकग्नाइज करती है या नहीं, लोग पब्लिक जरूर इस बात को देखते हैं कि प्लेयर जो होता है वो उसके अंदर कोई भी गेम वो शुरू में अडॉप्ट करता है तो उसके अंदर स्पिरिट होती है कि मैं इंडिया को खेलूं, मैं अपने स्टेट को खेलूं, और उसमें जब वो देखता है कि अरे मैंने तो बैडमिंटन चुना होता तो बेहतर होता, मैंने तो क्रिकेट चुना होता तो बेहतर होता। यानी भारत सरकार के जो 75 के करीब और नॉन रिकग्नाइज जो गेम है वो सैकड़ों हैं, उन सब जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी शुरुआती ज़िंदगी में जो मैंने अपने अंदर एक स्पोर्ट्स को डेवलप किया वो गलत मेरा फैसला रहा है। तो एक तो उनके अंदर जो है वो डिप्रेशन आता है कि हमने हमारा फैसला गलत, दूसरे सरकार की तरफ से वो डिप्रेशन को और उसमें कहते नहीं कि पेट्रोल में आग लगा दी जाती है कि आप किसी एक स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये एक गलत मैसेज हमारे देश में हमेशा ये रहा है कि ओलंपिक्स में कोई एक आध खेल में कोई मेडल लेके आता तो हमारे प्रेसिडेंट साहब उसे जो है वहीं से विशेष देते हैं, वो अभी घर भी नहीं लौटा और उसे विशेष मिल जाती है, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, हो सकता है कि करोड़ों रुपए का जो है उनको स्पेशल अवार्ड भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अरक्ष उल्टा क्या होता है कि जो दूसरे स्पोर्ट्स में लोग बच्चे बाहर जा रहे हैं वो भी इंडिया के लिए खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि ओलंपिक्स वाले खेलते हैं तो नॉन ओलंपिक वाले इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं। जब भी गोल्ड मेडल्स वगैरह किसी भी स्पोर्ट्स में मिलता है तो वहाँ पे लिखा जाता है इंडिया हैज़ वन द गोल्ड, वो हो चाहे नॉन ओलंपिक, वो हो चाहे ओलंपिक। पर ओलंपिक्स प्रायोरिटीज इतनी होने के बाद भी, सपोर्ट होने के बाद भी भारत में ओलंपिक ही नहीं डेवलप हो पाया। और नॉन ओलंपिक का तो आप छोड़ दीजिए कि वो तो लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ प्रिविलेज उसको तो है ही नहीं। और इसीलिए इंडियन नॉन ओलंपिक एसोसिएशन एक बहुत बड़ी लड़ाई उस बात की लड़ रही है कि स्पोर्ट्स में ही इक्वलिटी होना चाहिए, स्पोर्ट्स फॉर ऑल। वी कैन नॉट सी स्पोर्ट्स इन टू आईज बिकॉज गवर्नमेंट इंडिया इज अ वन एक्चुअली नेशनल गवर्नमेंट, हमें सारे स्पोर्ट्स को एक ही नज़र से देखना चाहिए। और ताकि आप अगर और कुछ बजटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएं तो हिंदुस्तान का बजट जो है वो थोड़ा स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हंसने वाला है। जहाँ पर लोग बिलियंस में जा रहे हैं, बिलियंस डॉलर्स में जा रहे हैं, वहाँ हमारे पास कुछ हज़ार करोड़
हजार करोड़ भी आप ऐसे जैसे अभी मैं अगर कहूँ 2018-2019 का जो बजट है वो 2017 तकरीबन करोड़ का है, 2217 करोड़ का। इसी पे मैं एक सवाल रखना चाह रहा था आपके वहाँ। जी जी, तो 2017 या 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाता है, इससे कितना मार्जिनल डेवलपमेंट होती है ऑन ग्राउंड, कितने कितने फायदे होते हैं एक्चुअली ऑन ग्राउंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को तैयार करने में? अब जैसा आपने पॉपुलेशन की बात पहले की थी कि हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मैं मुझे हंसी आती है कि 2217 करोड़ रुपया, अगर मैं 135 करोड़ की आबादी पर अगर इसको डिवाइड करूं तो आप जानते हैं कि पर पर्सन जो है वो एक्सपेंडिचर कितना आता है, 149.40 रुपया साल का बजट हमारे लिए सरकार ने एलोकेट किया, 149.40 रुपया। आप 149 रुपये में क्या करेंगे? मेरे ख्याल से एक दो दिन की डाइट भी नहीं है जो, अब इससे आप कोई मेडल की उम्मीद करते हैं तो मुझे तो नहीं। आप चाइना देख लें साहब, हमारी जैसी पॉपुलेशन हमसे हायर पॉपुलेशन है लेकिन ओलंपिक्स वगैरह में वो नंबर वन लगभग रहते हैं। तो उनके यहाँ क्या है, वो डेडिकेशन है। आप, मैं आपको अक्रम साहब बताऊँ कि कभी जब मैं भी डेलीगेशन अपने स्पोर्ट्स का लेके जाता हूँ फॉरन में टीम लेके, कई बार हेड ऑफ द डेलीगेशन अपने गेम्स कर रहा हूँ मैं, तो मैंने वहाँ देखा जब हमारे प्लेयर जाके स्टेडियम में उतरते थे और जब वो जिस कंट्री का हमारे सामने जो अपोजिट कंट्री होती थी, फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो हम इंडियन जब प्लेयर उतरते थे तो आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चे ऐसा लगता था कि उन्हें 5 साल से खाने पीने को नहीं दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि जाके आप जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग 6-6 फीट 6.5-6 फीट के बच्चे, उनके कपड़े देखिए तो आप जो हैं वो सबसे महंगे कई कई हज़ार रुपये की टी शर्ट्स और 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के जूते, हमारे बच्चे जो है वो 150 रुपये के जूते पहन के जा रहे हैं, टी शर्ट 150 रुपये की पहन के जा रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल जो नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे में जाता है कि हम जो है वो बहुत गरीब हैं, हम लैक ऑफ जो स्टैंडर्डाइजेशन है ग्लोबल उसमें इतना पीछे हैं। स्टेडियम देखें आप तो आपके अंदर एक बड़ा एहसास कमतरी आती है कि हम ऐसा क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास देखा। जब नई चीज़ आप देखेंगे, आप पुरानी कार चलाते हो, आपको अचानक बहुत हाईटेक कार दे दी जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाते। तो हम जब भी इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं तो हम पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहता है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं और हम इनसे सामना नहीं कर पाएंगे, ऐसा लोगों को हमारे प्लेयर्स को भी लगता है। तो और उसी वक्त जो आप डिप्रेशन में आप रहते हैं तो सामने वाला आपके ऊपर अटैक करता है। आप हमेशा, मैंने अपनी टीम्स वगैरह को देखा, वो लोग हमेशा डिफेंसिव रहते थे कि गोल ना होने पाए, गोल बचाने में ही पूरा उन्होंने गेम ख़त्म कर दिया और वो जो सामने वाली टीम है वो ऑफेंसिव होकर के खेल रही है क्योंकि उसको कहीं से भी उसके तरफ से कोई एहसास कमतरी का शिकार है ही नहीं। अच्छा, मैं एक बहुत अहम चीज़ों में आना चाह रहा हूँ, वो है ये कि जो सिचुएशन अभी है और इस सिचुएशन से इंडिया को अगर आगे बढ़नी है तो किस क्या क्या आप सरकार को पॉलिसी लेवल में और स्टेट लेवल में कि क्या क्या सजेशंस आप सरकार से गुजारिश करेंगे मांगेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो बजट अभी हम लोग एलोकेट करते हैं इसमें इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है अक्रम साहब, मैं कई चीजों में बजट का एक मोटा हिस्सा तो मुझे लगता है सैलरी देने में जाते होंगे, जो सैलरी में जाते हैं। आप स्टडी कर लें, आई एम टेलिंग यू द मोस्ट ऑफ द 75% जो बजट है इट इज ऑल फॉर यू नो सैलरी। तो आपने बच्चों पे क्या लगाया, वो हमारे पास बहुत कम है। मैं जो थोड़ा सुझाव, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी भारत सरकार को अपनी इंडियन नॉन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से मशवरे मेमोरेंडम दिया था, उसमें जैसे कई चीज़ें एम्फेसाइज किया था कि आप पहले तो एक काम भारत सरकार को करना चाहिए कि ओलंपिक और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में जो वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, पहले तो हम दोनों को बराबर की नज़र से देखें क्योंकि जो बच्चा नॉन ओलंपिक में खेल रहा है वो भी भारतीय है
और जो ओलंपिक में भी खेल रहा है वो भी भारतीय है। तो हम अपने दो भारतीय सिटीजन्स को, यानी जो दो सिटीजन्स हैं, उनको दो नजरों से क्यों देख रहे हैं? एक इलीट हो जा रहा है और लग रहा है एक बहुत ही पुअर कम्युनिटी का है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स फॉर ऑल है और स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर इसको और प्रमोट करें तो इसमें जो रेसिज्म है, जो कास्ट फीलिंग है, जो छोटे बड़े का जो यहाँ पर फर्क है, वो सब मिटाता है और ब्रदरहुड इसके अंदर बहुत आता है। तो ये एक पहला उनको की जो पॉलिसी इंडिया की बने उसमें सारे स्पोर्ट्स को एक नज़र से देखें। सेकंड, मैं आपसे और जो मेरा दो तीन और मशवरे हैं वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अर्बन और रूरल एरिया में सेम स्टैंडर्ड पे डेवलप होना चाहिए, और उसे इंटरनेशनल जो स्टडीज़ हैं कि दूसरे देश कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पे दे रहे हैं वो उन्हें देना चाहिए। प्लेयर्स को आप सोचें, हमारे यहाँ 20 करोड़ के तकरीबन हमारी आबादी है, बच्चों में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन है। अब उनके अंदर ताकत ही नहीं होगी तो वो अपना परफॉर्मेंस के अंदर से पावर ही नहीं है। तो ये जो 20 करोड़ की आबादी, उनको न्यूट्रिशन दें। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कहा वो ग्लोबलाइजेशन जो है ना उसके स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। सरकार के बजट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए। 2217 करोड़ को इनको 10-15-20 हज़ार करोड़ तक ले जाना चाहिए, और उसमें मेजर पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल बनाने के लिए। एक चौथा जो मेरा सुझाव है कि हमारे भारत सरकार ने एक अच्छी पॉलिसी बनाई है कॉरपोरेट सेक्टर के सीएसआर फंड जो होता है, उन्हें सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है वो right. वो फंड्स के, उस फंड का यूटिलाइजेशन अभी क्या हो रहा है मैं इसके बारे में बहुत डेप्थ में नहीं जानता, लेकिन मुझे एक आइडिया है कि हमारे पास 200-300 गेम होंगे अगर टोटल गेम्स को भी मिला लें छोटे बड़े सब, अगर यहाँ का एक एक कॉरपोरेट बड़ा एक एक गेम्स को कहते हैं कि गोद ले लें, जैसा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो गांव को गोद ले लें, वैसे ये स्पोर्ट्स को ले लें तो उन कॉरपोरेट्स को भी फायदा है, उनके पास फंड है सीएसआर का, उन्हें ये भी नहीं करना है कि कोई एक्स्ट्रा एलोकेशन करना है, वही फंड जो है वो हमारे स्पोर्ट्स पे लग जाए। और कॉरपोरेट्स को क्या फ़ायदा है, आप जानते हैं कि दो तीन चीज़ें हैं जो ग्लैमरस है, या तो फर्स्ट है जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल्स लोग होते हैं वो सब ग्लैमरस होते हैं, तीसरा आप देखें तो स्पोर्ट्स जो है वो ग्लैमरस फील्ड है। तो वो जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं अगर उसमें पैसा वो गोद लेते हैं स्पोर्ट्स को, तो उन्हें पब्लिसिटी भी मिल रही है इन रिटर्न, जो अगर वो पैसा खर्च कर रहे हैं स्पोर्ट्स पे, तो ये न्यूज़पेपर्स में स्पोर्ट्स के इवेंट्स का रिजल्ट आता है, तमाम उनके जो प्रमोशंस होते हैं वो बड़े अच्छे आते हैं, प्रमोशन अच्छी खासी मिल जाती है, वो एक एडिशनल बेनिफिट के तौर पे भी उनको सपोर्ट मिलता है अगर वो राइट। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मोटिव है, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत एग्रेसिव हैं, अगर उनकी तरफ से ये पहल की जाए और सारे स्पोर्ट्स को अगर वो एक बार कह दें पूरे कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज है कि भाई आपको एक एक दो दो स्पोर्ट्स को गोद लेना है, तो मुझे लगता है कि भारत के सारे स्पोर्ट्स का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही ऊपर चला जाएगा स्काई, और चाइना को हम दिखा सकते हैं क्योंकि टैलेंट्स हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में कमी नहीं है सर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उनके अंदर देश के प्रति जो भावना होती है वो बहुत हाई होती है, लेकिन सिस्टम ने उसको तोड़ देते हैं, बिल्कुल से खत्म कर देते हैं। अच्छा, एक सुझाव दिया जाता है कि स्पोर्ट्स के और एक कि स्पोर्ट्स यानी टैलेंट हंटिंग जो है वो स्कूल लेवल से होनी चाहिए, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, क्योंकि वहीं पे आपको क्रीम क्लास मिलता है और वहीं से आप फिर इंटरनेशनल लेवल की उनकी तैयारी कराई जाए। क्या आप सहमत इस बात से? ये मतलब आपने कहा और ये पूरे देश में और क्या पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है कि जब हमारा पहला जो ग्राउंड है वो हमारा स्कूल होता है right. और अगर मैं आपको हंसी आएगी अगर मैं यहाँ पर एक हमारी फेडरेशन होती है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, अगर आप गवर्नमेंट का बजट देख लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे क्या देती है
और एक कोई ओलंपिक स्पोर्ट्स का बजट उठा के देख लें तो आपको हंसी आएगी कि अगर एक सिंगल स्पोर्ट्स को ओलंपिक को अगर 100 रुपया दिया जा रहा है तो स्कूल गेम्स जो सारे गेम्स स्कूल में जो खेले जा सकते हैं उसको जो है वो 5 रुपये भी नहीं दे रहे, तो क्या परफॉर्मेंस देंगे आप? You are not spending money actually, and you want that you can be equal as China, you can be like America and all. मेरे ख्याल से बिल्कुल मुगालते में हम जी रहे हैं कि हम कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी जापान, कभी कोरिया नहीं हो पाएंगे. आप जाके देखिए ना वो लोग स्पोर्ट्स में क्या खर्च करते हैं. अच्छा, किस किस स्पोर्ट्स कैटेगरी में या स्पोर्ट्स में हम इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस दे सकते हैं? ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो आपको लगता है कि इंडिया अगर सही तरह से स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करें तो हम बहुत जल्दी क्विकली वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं? देखिए, अगर ओलंपिक को में देखें तो आपके सामने इस वक्त जैसे शूटिंग है, आपका रेसलिंग भी है हमारा बहुत अच्छा, बैडमिंटन भी है बहुत अच्छा, ये तो ये जो है हमारे पास. हॉकी अनफॉर्चुनेट हम वर्ल्ड लीडर थे, ध्यानचंद जी का नाम अगर आप लें तो पूरी दुनिया उनको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखती है. हमारे यहाँ भी लोग बहुत ध्यानचंद जी को जो है ध्यान, लेकिन हॉकी ग्रेजुअली मैंने अपने कुछ पीरियड में देखा है तो हिंदुस्तान में बहुत नीचे धीरे धीरे चली जा रही है, क्योंकि उसकी पॉलिसी हमारे यहाँ और जो इंटरनेशनली हॉकी के अंदर जो डेवलपमेंट हो गया कि उनके अंदर स्टेडियम्स हैं, टॉप हैं, प्लेयर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमारे यहाँ ग्रेजुअली वैसे ही गिरता चला गया. तो स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स हैं, मैं तो कभी राय नहीं दूंगा भारत सरकार को कि फिर वही काम वो करें जैसे कि किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के ऊपर सिर्फ पैसा लगाएं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन होगा. हमारे सारे भारतीय जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा. तो मुझे कॉम्प्रहेंसिव मैं एडवाइस दूंगा कि आप एक बहुत रिवैम्प जो है ना चेंजेस लाएं पॉलिसी में, पैसा आप खर्च करें बहुत ज़्यादा, इससे देश को भी बहुत फ़ायदा होता है. क्योंकि एक गोल्ड मेडल आप एक कोई बड़ा मेडल्स पाते हैं पूरी दुनिया में तो आप दुनिया के सारे अखबारों में, सारे टेलीविज़न मीडिया में आप उस वक्त हाईलाइट होते हैं. आप पूरा देश दुनिया आपको देखते हैं कि भारत ने इसमें मेडल जीता, ऐसे दूसरे देश इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. तो हमारे साथ थे डॉक्टर प्रोफेसर शिराज अंसारी साहब जो एक नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के, और हम बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स में हम कहाँ कमज़ोर हैं और कैसे इंडिया स्पोर्ट्स में स्ट्रांग हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल में कंपटीशन कर सकते हैं और किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हम ज़्यादा ध्यान दें. तो अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूँ जो डॉक्टर अंसारी साहब ने बोले, नंबर वन तो हमें इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स चाहिए, यानी ज़रूरी नहीं है कि ओलंपिक सब कुछ है. तो हमें जो नॉन ओलंपिक गेम्स हैं लगभग दुनिया में हमारे देखा जाए तो 200 से 300 के करीब टोटल स्पोर्ट्स हैं, हमें इक्वल लेवल की अटेंशन और इन्वेस्टमेंट देने की जरूरत है उन सारे स्पोर्ट्स में, तभी जाके हम इंटरनेशनल लेवल में आ सकते हैं. दूसरा उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ग्लोबल लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड बनाने की सख्त जरूरत है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना स्पोर्ट्स पॉसिबल ही नहीं है या अच्छे स्पोर्ट्स, क्योंकि हमारे जो टैलेंट्स हैं उन टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है और वो प्लेटफॉर्म्स है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो सख्त जरूरत है. तीसरा है बजट. बड़ी ये एक शर्मनाक वाली मैं बताऊंगा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट जैसे शिराज साहब ने बताया कि हम 2000 करोड़ कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बजट अकॉर्डिंग टू हिम शुड रीच आउट टू 1500 to 2000 करोड़, तभी जाके कुछ विजिबल चेंज हम देख सकते हैं स्पोर्ट्स में, ये उनका कहना है. लेकिन सबसे बड़ा इनोवेटिव जो सोल्यूशन उभर के आया वो मुझे लगता है कि जिसे हमने गांव सरकार प्रधानमंत्री के एक नारे में सारे पार्लियामेंटेरियंस हमारे एक एक गांव गोद में लिए, अगर सरकार की ऐसा कोई मुहिम चले जहां हर एक जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं वो एक या दो अगर स्पोर्ट्स को गोद लें तो मुझे लगता है ये रेवोल्यूशनरी आ सकता है. मैं पूरी इत्तेफाक रखता हूँ और ऐसे ही कुछ मुद्दे के साथ हम आते रहेंगे.
आपके सामने कोई नए मुद्दे के साथ, कोई नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए द पॉलिसी टाइम।